तो चलिए दोस्तों, व्हाट्सएप की टर्म्स और कंडीशंस आपके पास आ गए होंगे, और अगर नहीं आई हैं तो जल्दी से आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जहां पर आपको एक्सेप्ट करने को बोलेगा या फिर नॉट नाउ। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तब तो आप व्हाट्सएप चला पाओगे, लेकिन अगर आप नॉट नाउ करते हो तो व्हाट्सएप आप सिर्फ 8 फरवरी तक चला पाओगे, इसके बाद आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो व्हाट्सएप की नई टर्म्स और कंडीशंस है उनको लोग बाग जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग डर रहे हैं कि हमारी प्राइवेट चैट, हमारे वीडियो, हमारे फोटो ये कहीं लीक ना हो जाएं और इन सब चीज़ों को कोई और ना देख ले। इसी वजह से व्हाट्सएप की जो टर्म्स और कंडीशंस है उनको एक्सेप्ट करने में लोग डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डरने से पहले मैं आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप की जो नई टर्म्स और कंडीशंस हैं वहाँ पर व्हाट्सएप अब आपसे और कौन कौन सी चीज़ें मांगने वाला है, आपका डाटा किस तरह से इस्तेमाल करने वाला है, क्या आपकी प्राइवेट चैट जो है ना वो मतलब सोशल मीडिया या फिर दूसरी जगह वायरल कर देगा, सबके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट गुरुजी। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों यहां पर व्हाट्सएप अब आपसे जो है ना कई तरह की परमिशन मांगने वाला है, और पहले ये परमिशन जो थी ना वो बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन अब जो है ना बहुत सारे मतलब आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सेस करने वाला है, मतलब नज़र रखने वाला है, पढ़ने वाला है, आपकी चैट वगैरह, फोटो वगैरह, वीडियो देखने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आपकी व्हाट्सएप ट्रैक करेगा, एक्सेस करेगा और उनका यूज कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाट्सएप जो है ना आपकी डिवाइस आईडी ट्रैक करने वाला है इस बार, ठीक है, IMEI नंबर कौन सा है, डिवाइस कौन सा है, मॉडल नंबर कौन सा है, सब कुछ ट्रैक करने वाला है। दूसरा यहाँ पर यूजर आईडी जो है वो भी आपकी यहाँ पर ट्रैक करने वाला है व्हाट्सएप। तीसरा निकल के आता है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग डाटा, आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, उनमें से कौन सा आपने एडवर्टाइज देखा, किस पर क्लिक किया, ये सब जो है ना ट्रैक करने वाला है व्हाट्सएप। इसके अलावा यहाँ पर परचेज हिस्ट्री, आप ऑनलाइन जाके कौन कौन शॉपिंग करते हैं, क्या परचेज करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या खोल के देखते हैं, वो सब ऑनलाइन हिस्ट्री के तहत आता है, तो उसको भी अब व्हाट्सएप ट्रैक करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस लोकेशन जो है ना वो पहले भी ट्रैक करता था, पहले ट्रैक नहीं करता था, पहले डिवाइस लोकेशन की जो परमिशन है वो लेता था, लेकिन इस बार आपकी जो डिवाइस की लोकेशन है या फिर यूँ कहें कि आपकी लोकेशन है वो ट्रैक करने वाला है, आप कहाँ जा रहे, कहाँ कितनी देर रुक रहे, ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप ट्रैक करेगा और एडवर्टाइजिंग के लिए आपकी लोकेशन यूज करने वाला है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और वहाँ पर आप एक होटल में ठहरना चाहते हैं, तो आपके पास व्हाट्सएप आपकी लोकेशन का यूज करके जो होटल की एडवर्टाइजिंग है वो आपको देगा, ताकि आप उसके ऐड के मुताबिक होटल बाई कर सकें और व्हाट्सएप की कमाई हो सके। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर वो पहले भी यूज करता था, लेकिन अब एडवर्टाइजिंग के लिए व्हाट्सएप आपका फ़ोन नंबर यूज करेगा, यानी कि आपके फ़ोन नंबर पर तरह तरह के एडवर्टाइजिंग मैसेज वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस सेम वही चीज़ है कि जिस तरह से फ़ोन नंबर यूज करने वाला है वैसे ही आपका ईमेल आईडी भी यूज करने वाला है एडवर्टाइजिंग के लिए, और ये सभी का सभी डाटा जो है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर किया जाएगा। तो हालांकि अभी इतना ही बताया है, लेकिन आगे हो सकता है आपका डाटा और भी किसी थर्ड पार्टी ऐप को बेच दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कॉन्टैक्ट लिस्ट। व्हाट्सएप वैसे तो बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट के चलता नहीं है, लेकिन इस बार अब जो है ना आपके कॉन्टैक्ट में किस किस के नंबर सेव हैं वो सभी को ट्रैक करने वाला है, तो ये आप समझ लीजिए। अगली चीज है यहां पर परफॉर्मेंस डाटा, इसको भी ट्रैक करेगा। अगली चीज यहां पर निकल के आती है पेमेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप पेमेंट ने अपनी सर्विस लॉन्च कर दी है और इसके तहत जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो कंपनियां लेती तो हैं, लेकिन इनको एडवर्टाइजिंग के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए यूज नहीं करती है, लेकिन व्हाट्सएप पेमेंट इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकता है। और आगे चल के किन किन चीजों के लिए यूज कर सकता है कहने को मतलब अभी कुछ है नहीं, यहाँ पर व्हाट्सएप ही जाने किस तरह से यूज करेगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर बैंक डिटेल, फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप पे यूज करते हैं तो आप उसमें बैंक डिटेल सेव करेंगे इस तरह करेंगे, तो यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल है वो भी व्हाट्सएप ट्रैक करने वाला है। अगली चीज़ यहाँ पर निकल के आती है ट्रांजेक्शन आईडी, आप ट्रांजेक्शन कौन कौन सी कहाँ कर रहे, किसको मनी दे रहे, किसको रिसीव कर रहे हो, इस सारी चीज़ें जो है ना व्हाट्सएप ट्रैक करने वाला है। अगली चीज़ यहाँ पर निकल के आती है पर्सनल चैट, जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पर आप किसी को क्या मैसेज भेज रहे हैं, कौन सा मैसेज रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना पर्सनल चैट के जरिए किसी से पूछ रहे हैं कि हमें कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, कौन सी ड्रेस परचेज करना चाहिए, कौन सा कैमरा परचेज करना चाहिए, वो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के लिए व्हाट्सएप ट्रैक करेगा और आपको फिर उन्हीं चीज़ों का ऐड दिखाएगा। इसके लिए ये जो है ना आपकी पर्सनल चैट जो है ना वो एक्सेस करेगा। हालांकि आगे और कैसे यूज कर सकता है अभी कुछ कह नहीं सकते,
करें। उसके अलावा आपका जो वीडियो है उनको भी ये ट्रैक कर सकता है, वीडियो आपके द्वारा भेजे हुए, फिर चाहे वो आपके पर्सनल वीडियो हो या फिर फॉरवर्ड किए हो, उनको भी यहाँ पर व्हाट्सएप से ट्रैक कर सकता है करेगा। इमेज, उसी तरह से इमेज आप कौन कौन सी भेज रहे हो, अपनी खुद की कैसी फ़ोटो भेज रहे हो, वो भी व्हाट्सएप यहाँ पर ट्रैक करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग, आप जो व्हाट्सएप द्वारा वीडियो कॉल वॉइस कॉल करते हो उसको भी व्हाट्सएप ट्रैक करेगा। हालांकि अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट्सएप ये सभी चीज़ें आपकी वायरल कर देगा या फिर आपको ब्लैकमेल करेगा, ये तमाम चीज़ें अभी फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे व्हाट्सएप क्या क्या करेगा वो व्हाट्सएप ही जाने। लेकिन आप जो है ना, अगर सिग्नल को यूज करने की मतलब मन बना चुके हैं, तो मैंने सिग्नल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो आपको जल्दी से ही मिल जाएगा, या फिर उसका बटन आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिए, सिग्नल किस तरह से अच्छा है, किस तरह से ख़राब है, और क्या क्या फैसिलिटी आपको सिग्नल में मिल जाएंगी, वो सभी मैंने उस वीडियो में कवर किया है, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।